हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जोडिक साइन हो ये रीडिंग आपसे मैच जरूर करेगी। गाइस, चलिए करते हैं हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में अनएक्सपेक्टेड आपके साथ क्या हो सकता है, 48 घंटों में। ठीक है, क्या गुड न्यूज आपको मिल सकती है, क्या आपके लिए वार्निंग मैसेजेस हैं, क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है नेक्स्ट 48 आवर्स में। डिस्कवरी, रिलीज, क्रिएशन, मैंने रिलीज बोला तो आपको रिलीज करने की भी यहां पर जरूरत है। परसेप्शन, विक्टिम, परफेक्शन एंड रिजेक्शन। बॉटम से है ट्रिकरी। ओके, यहां से है भी गाइस रिलीज की एनर्जी। ठीक है, तो रिलीज आना चाह रहा था। चलिए लेते हैं कार्ड्स को। रिलीज, आइसोलेशन एंड यहां से ट्रिकरी है। ओके, तो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में ये दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोग काफी कुछ डिस्कवर कर रहे हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअल लाइफ में आए हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो तो अब आप यहाँ पर काफी सारी चीजों को डिस्कवर कर रहे हो, नई नई चीजें आप सीख रहे हो, एंजल्स आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइट से यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हो। तो मैं नेक्स्ट 48 आवर्स में देख रही हूँ कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप नई नई चीजों को यहाँ पर सीखो कि ये चीजें कैसे होती हैं, क्या होता है यहाँ पर, ये प्रैक्टिकल लाइफ से किस तरीके से डिफरेंट है। क्रिएटिव हो गाइस। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी अंदर की क्रिएटिव साइड को बाहर निकाल रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में और कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपके अंदर टैलेंट्स हैं, आपके अंदर कुछ डिफरेंट है जिसको आप पहचान रहे हो। ठीक है, और आप उससे कुछ क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ परफेक्शन का भी कार्ड है, ये दिखा रहे गाइस कि आप लोग काफी परफेक्ट हो, आप जो चीजें करना चाहते हो आपके अंदर वो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज को कर सकते हो। ठीक है, आप जो चाहो आप वो क्रिएट कर सकते हो, आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट भी यहाँ पर कर सकते हो, आपके अंदर वो परफेक्शन है। तो आप अपने अंदर के परफेक्शन को समझ रहे हो और अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ परसेप्शन का कार्ड है, परसेप्शन दिखा रहे गाइस कि यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने आप को समझ रहे हो और लोगों के प्रति आपकी जो धारणाएं हैं आप कहीं ना कहीं उनको भी समझ रहे हो। ठीक है, कि आपको कैसे लोगों के बारे में सोचना है, मतलब क्या आपको देखना है, क्या उनके अंदर नहीं देखना है, ठीक है, किस तरीके से डील करनी है। तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप अपने अंदर काफी सारे चेंजेस यहाँ पर लेकर आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपना हार्ट चक्रा भी ओपन कर रहे हो लोगों के लिए। अगर आप अभी तक बहुत गुस्से में रहते थे तो आपने अपने गुस्से को कम किया है और आप अपने आप समझ रहे हो कि अपने अंदर अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो डेफिनेटली चीजें हमारे लिए चेंज होंगी। रिलीज की एनर्जी आना चाह रही थी तो रिलीज निकल कर आया है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ गाइस कि आपको यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। जो चीजें देखिए आपको इस समय पर सर्व नहीं कर रही हैं आप उसको रिलीज कर दीजिए, और नेक्स्ट 48 आवर्स में आप रिलीज भी कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत सारी ऐसी चीजों को अपनी लाइफ से बाहर कर रहे हैं जो आपको सर्व नहीं करती, जो आपका भला नहीं कर रही। विक्टिम गाइस, विक्टिम और ट्रिकरी ये दिखा रहा है कि आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि आपके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, आपको रिजेक्शन भी मिला है। मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में आप आइसोलेशन की एनर्जी में भी हो। तो ये चारों कार्ड ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी भी लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग देखिए ऊपर की रो जो है वो दिखा रही है कि आप काफी आगे निकल गए हो, आप काफी हायर वाइब्रेशंस में हो और आप बहुत कुछ सीख रहे हो। लेकिन ये चारों कार्ड नीचे के 1 2 3 4 5 ही पांचों कार्ड दिखा रहे हैं रिलीज कि आप लोगों को ना ये यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में जो हायर वाइब्रेशंस में है उनकी एनर्जी वो रहने वाली है डिस्कवरी, क्रिएशन, परसेप्शन एंड परफेक्शन। ठीक है, वो अपने अंदर परफेक्ट हैं,
अपनी जो सोच है उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं, अपने अंदर क्रिएटिव साइड को देख रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, चीजों को डिस्कवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग काफी लोअर वाइब्रेशंस में दिखाई दे रहे हैं, जो आइसोलेशन की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें रिजेक्शन से काफी दुख है, काफी तकलीफ होती है, जो चीजों को अभी तक अपने अंदर रखे हुए समेट के उनको रिलीज नहीं कर रहे हैं, और विक्टिम की एनर्जी है, उन्हें चीटेड फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा ही परेशान हो जाते हैं, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सो गाइज, आप लोगों को ना इन एनर्जीज से निकलकर इन एनर्जीज में मूव करने की जरूरत है, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और देखते हैं आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या अनएक्सपेक्टेड और हो सकता है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द गार्डन एंड द गेट, एंड यहां पर इनडिसिजन। ओके, बॉटम से है गॉडेस ऑफ द मून, ये यहां पर निकल कर आया है। क्या हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, स्ट्रेंथ दो बार कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, फाइव ऑफ कप्स, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम से है द मून। ओके, यहां पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और मजिशियन की एनर्जी भी है। गाइज, यहां पर मुझे ये कार्ड्स ये दिखा रहे हैं, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, द गार्डन एंड द गेट, इनडिसिजन एंड गॉडेस ऑफ द मून। ये कार्ड ये दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोग काफी स्ट्रेंथ बनाओगे, ठीक है, आप लोग अपनी पावर में रहने की कोशिश कर रहे हो, अब आप पहले की तरह कमजोर नहीं हो, काफी स्ट्रांग आप बन गए हो, और आपने बहुत सारी चीजों को सीख लिया है, तो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ के काफी सारे पैटर्न्स को सॉल्व कर लिया है, और बहुत स्ट्रेंथ में आप मुझे दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, मतलब आपको कोई इजीली अब तोड़ नहीं सकता। द गार्डन एंड द गेट दिखा रहा है गाइस कि आपकी खुशियों की चाबी आपके पास ही है, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर आप चाहें तो आप अपनी खुशियों की तरफ मूव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इनडिसिजन का कार्ड है, बहुत सारे लोग अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे नेक्स्ट 48 आवर्स में कि उनके लिए क्या चीजें सही हैं और क्या चीजें सही नहीं है, ठीक है, वो अभी भी स्टक हैं, तो आप लोग को इन एनर्जीज से निकलने की गाइस यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, आप लोग इन एनर्जीज में नहीं रह सकते ज्यादा समय तक, वरना आप काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है, तो ये दिखा रहे कि आपके साथ इस समय एंजल्स डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी प्रॉपर हीलिंग पर फोकस कीजिए, ठीक है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, जिनको भी आप नहीं डिसाइड कर पा रहे, जिसमें भी आप स्टक हो, उन सारी चीजों को आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में अनएक्सपेक्टेड आपके साथ और जो हो सकता है वो ये कि किसी तरीके का जजमेंट आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है, आप जजमेंट को यहां पर मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग की डिवाइन टाइमिंग मुझे दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में, तो वो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, मजिशियन का कार्ड भी है, वो जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो चीज उनकी पूरी हो सकती है, ठीक है। यहां पर ये भी दिखाई दे रहा है गाइस के अगर आप लोग अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे थे, एट ऑफ पेंटिकल दिखा रहे कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से अगर मेहनत कर रहे थे, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में सन की एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ जजमेंट है, तो अगर आप अपने करियर में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, जिस भी चीज के लिए मेहनत कर रहे थे, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे अपनी किसी जॉब के लिए, या फिर कोई ड्रीम जॉब आपकी, कोई गवर्नमेंट जॉब, तो मैं यहाँ देख रही हूँ गाइस की वो डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है, आपके यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आपका जो रिजल्ट आना है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, आपको कोई
कॉल लेटर, आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है यहाँ पर. ये एनर्जीज हैं क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ निकल कर आए हैं. तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. अगर आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, लोगों के ऊपर डिपेंड थे किसी अपनी ख्वाहिशों के लिए, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है. आप लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो. यहाँ पर देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है जो दिखा रही है कि आप लोग सेल्फ लव में हो. नेक्स्ट 48 आवर्स में जबरदस्त तरीके से आपको दुनिया से इतना मतलब नहीं रह गया. आप अपने ऊपर फोकस बनाए हुए हो अच्छे से. आप अपने आपके ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है. आप अपने आप को चीजों से बांध नहीं रहे हो, फ्री कर रहे हो. जो भी इनडिसिजन की एनर्जी में है गाइज, स्टक है, वो जिस भी सिचुएशन में स्टक है उसको वो रिलीज कर दीजिए. रिलीज का कार्ड इसीलिए निकल कर आया था क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर स्टक, जिनको जरूरत है चीजें रिलीज करने की. अगर आप रिलीज करते हैं, सरेंडर करते हैं, तो डिवाइन आपके प्रॉब्लम्स के चार्जेस अपने हाथ में लेंगे. और जब डिवाइन हाथ में लेंगे तो आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही रिजल्ट मिलेगा, इस चीज की गारंटी है, ठीक है. तो अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप उसको सरेंडर कर दीजिए. यहाँ पर गाइज ये भी दिखाई दे रहा है कि जो लोग भी सेल्फ लव में है वो तो काफी फ्री महसूस करेंगे. उन्होंने बस सोच लिया है कि मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, जीऊंगी, मेरे हाथ में है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ठीक है. ये वाली एनर्जी है. यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग, आप स्ट्रेंथ के कार्ड को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लेडी लॉइन के साथ यहाँ पर बैलेंस बना लिए. तो ये तो समझ लीजिए कि ये इम्पॉसिबल वाली चीज है कि आप लॉइन को हैंडल कर रहे हो, मतलब इसके लिए कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है. तो ये जो स्ट्रेंथ है ना गाइज, ये इसीलिए आई है आपके पास क्योंकि आपने इतना सफर किया है और आपने सीखा है चीजों को, ठीक है. आपने अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश की है. तो बहुत सारे लोग तो जबरदस्त स्ट्रेंथ में है इस टाइम, ठीक है. अपनी लाइफ के हीरो बने हुए हैं, वो अपनी लाइफ के किंग बने हुए हैं इस टाइम. उनको कोई इजीली तोड़ नहीं सकता. इस समय अगर आपको कोई भी ट्रिगर देगा ना तो वो खुद ट्रिगर 10 बार हो जाएगा लेकिन आपको ट्रिगर नहीं दे सकता. आपके पास आएगा तो वो ट्रिगर होकर जाएगा लेकिन आपको नहीं तोड़ पाएगा, ना आपको रुला पाएगा, एक आंसू आपका नहीं निकल सकता आंखों में से. ये वो वाली एनर्जी है. एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ डबल डेक से कार्ड निकल कर आए हैं तो काफी पावरफुल आप मुझे दिखाई दे रहे हो. इसके अलावा गाइज यहाँ पर डेथ की एनर्जी है. कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर. यहाँ पर चैनल पे नए नए लोग ऐड होते रहते हैं, ठीक है. तो एनर्जीज ऐसी हैं गाइज कि आप लोगों का ही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर डिवाइन द्वारा किया जा रहा है. तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए. यहाँ पर मैं देख रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में और सारे लेसन्स भी आपको सिखाए जाएंगे और चेंजेस के लिए आपको बोला जाएगा. जो जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो आपके अंदर से खुद डिवाइन ही खत्म करेंगे, ठीक है. वो आपको ऐसी सिचुएशन में ही डालेंगे ताकि आप खुद उस सिचुएशन में पढ़ने के बाद अपने आप को चेंज कर लो, ठीक है. तो ये वो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स में. यहाँ पर गाइज ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे कि आप लोग इमोशनल हो सकते हो नेक्स्ट 48 आवर्स में काफी ज्यादा, ठीक है. यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइज, सन का कार्ड है, मून का कार्ड है. यहाँ पर देख रही हूँ मैं कि ये दिखाता है आपके इमोशनल साइड को, आपकी फेमिनिन एनर्जी को, और सन दिखाता है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को. तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. अगर आप लोग अभी तक सिर्फ इमोशनली इमोशनल थे तो अब आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हो. अब आप लॉजिकल हो रहे हो, प्रैक्टिकल हो रहे हो, फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है. करियर पर फोकस किए हुए हो आप. हर तरीके से एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस कर रहे हो अपने अंदर. तो ये बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी निकल कर आई है. और जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है तो इसका मतलब है कि आप बहुत शार्प माइंडेड हो रहे हो. अभी नेक्स्ट 48 आवर्स में देख रही हूँ कि काफी शार्प माइंडेड हो. आपको कोई भी इजिली बेवकूफ नहीं बना सकता है. आपके साथ जो भी बात करेगा उससे आप काफी स्मार्टली बात कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है. आप ज्यादा बात नहीं करते और जो भी जितनी भी बात करते हो काफी क्लैरिटी में बात करते हो, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो नेक्स्ट 48 आवर्स में. अपने ड्रेसिंग पर ध्यान दे रहे हो, अपने हेयर्स पर आप ध्यान दे रहे हो, आप अपने हेयर कलर कर रहे हो, ठीक है. या फिर आप अपना लुक चेंज कर रहे हो. तो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि काफी सारे लोग यहाँ पर अपने ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं. यहाँ पर गाइज ये एनर्जी भी है कि अगर आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी
आप लोग के कंसीव करने के चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए अच्छा टाइम है। इसके अलावा गाइज बहुत सारे लोग देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर आप रिग्रेट में हैं, किसी चीज का दुख है आपको, किसी चीज के खो जाने का दुख है, किसी चीज के छूट जाने का दुख है, तो आप यहाँ पर दुख नहीं बनाइए, क्योंकि ये जो हो रहा है आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो रहा है। आपकी आपको गाइज इस समय 5 नंबर बहुत दिख रहा होगा और आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रही होंगी बटरफ्लाई दिखाई दे रही होंगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि चेंज की एनर्जी है। आप तो अगर आप किसी रिग्रेट में है, किसी दुख में है, कोई चीज आपसे दूर हो गई है, छिन गई है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो भी चीजें हैं वो डेफिनेटली आप तक सही समय पर पहुंचेंगी। इस चीज का आप ट्रस्ट रखें। बहुत सारे लोगों की तो डिवाइन टाइमिंग ही मुझे दिखाई दे रही है। अगर वो बहुत लंबे टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो किसी तरीके का जजमेंट उनकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ, किसी तरीके की डिवाइन ब्लेसिंग मैं उनकी लाइफ में देख पा रही हूँ, जिस भी चीज में वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर वो मैं यहाँ पर करियर के उस पर देख पा रही हूँ, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ कार्ड्स ज्यादा निकले हैं आज की एनर्जी में, तो अगर आप करियर में चाह रहे थे, ठीक है, आप फाइनेंस में चाह रहे थे एक सक्सेस, तो मैं यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस देख रही हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स में सक्सेसफुल होते हुए मैं बहुत सारे लोग को देख रही हूँ, उनकी जॉब लगते हुए, या डिवाइन ब्लेसिंग होगी, और या फिर गाइज आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिससे आप बेस क्रिएट कर सकते हो अपने भविष्य के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज निकल कर आई। सो करियर से अगर मैं बात करूं, करियर रिलेटेड नेक्स्ट 48 आवर्स काफी अच्छे आपके होने वाले हैं गाइस, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। काफी अच्छे कार्ड्स यहाँ से निकल कर आए हैं। एडवाइस क्या है आपके लिए? अंडरस्टैंडिंग, एंड लेजीनेस बॉटम से है क्रिएटर, एंड यहां से ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, न्यू विजन का भी कार्ड है। ओके, देखिए ये आपके लिए एडवाइस क्या निकल कर आई है गाइस। आपके लिए एडवाइस ये निकल कर आई है कि आप अपने विजन को, जो भी आपका विजन था ना, एक नया विजन आप सेट करें, ठीक है। जो भी आपके पुराने पैटर्न्स थे, जो भी आपका सोचने का तरीका था, उसको आप जरा छोड़ें और एक नए तरीके से चीजों को, दुनिया को देखने की कोशिश करें, एक नया विजन आप तैयार करें। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, सिचुएशन के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। अगर चीजें अभी आपके फेवर में नहीं हो रही हैं, तो आपको जरूरत है इस समय समझदारी दिखाने की, ठीक है, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी भी चीज को नहीं पा सकते, ठीक है। आपको समय के साथ चलना होता है, आपको इंतजार करना होता है, सही समय पर सही चीजें आपके पास आती हैं, तो थोड़ी समझदारी दिखाने की आपको जरूरत है। लेजी अगर हो रहे हो गाइस, तो आपके लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आलस तो फिर शत्रु होता है इंसान का। तो आपसे अगर कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए, तो अपने माइंड पर कंट्रोल करके एक्शन लीजिए, अपने आलस को छोड़िए, लेजीनेस को छोड़िए। क्रिएटर हैं आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, मैजिशियन का कार्ड है, जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वो अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर ले जाएंगे इस टाइम में अपनी लाइफ के बारे में बेकार बोल बोल के, तो वो चीजें क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्रिएटर की एनर्जी में इस वक्त हैं, तो अगर हो सके तो अच्छा क्रिएट कीजिए अपने लिए, हर पॉजिटिव चीज को क्रिएट कीजिए अपने लिए। वो विजुलाइज कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो मत क्रिएट कीजिए जो आप अपनी लाइफ में चाहते ही नहीं है। जो आपका डर है वो अगर आप क्रिएट कर लेंगे, जो आपके डर से उत्पन्न होता है, जो आपके इनसिक्योरिटी से बाहर निकलता है, अगर आप उन सारी चीजों को, नेगेटिव चीजों को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, फिर आपकी लाइफ में वही आएगा। इसीलिए हमेशा ही ध्यान रखें कि आप जो भी सोच रहे हैं, सोच पर नियंत्रण रखें, जो सोच रहे हैं वो अच्छा सोचें, ठीक है। क्रिएटर की एनर्जी में है, और ये पहले भी निकल कर आया था क्रिएशन का कार्ड गाइस, तो डबल डेक से एनर्जी निकल कर आई, तो थोड़ा सा अवेयर रहें। और अगर अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, यहां से डेथ की एनर्जी, यहां से ट्रांसफॉर्म, ये भी कार्ड रिपीट हुआ है, तो इस वक्त आपको आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो एक्सेप्टेंस के मोड पर आइए। जो भी चीजें हो रही हैं वो आपके हायर सेल्फ के लिए, आपके अच्छे के लिए हो रही है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए और ट्रांसफॉर्मेशन को एक पॉजिटिव वे में लीजिए, ठीक है। जो भी हो रहा है उसमें अभी आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन आगे चलकर आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे कि जो भी हुआ था वो आपके अच्छे के लिए हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समय के साथ अभी कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल कर आएगा। सो गाइस ये है आपकी रीडिंग, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू गाइस।